ये मेरी काफ़ी पुरानी एक दरी है, इसका जो नीचे नॉन वुवन वाला कपड़ा होता है वो फट गया है और कहीं कहीं से दरी भी फट गई है, लेकिन ऊपर वाला कपड़ा भी ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसे कुछ काम की चीज़ बना लेते हैं। तो इसे मैंने इस तरह से सबसे पहले तो 4 पीस कट कर लिए, बड़े बड़े पीस हो गए, तो मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। अब हर पीस को मैं बीच से एक बार और कटिंग करूँगी, तो एक दरी से मेरे 8 डोरमेट या आसन बन जाएंगे। साइड का जो मोटा वाला भाग है वो भी मैंने कट करके निकाल लिया है। इसे हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, पूजा का आसन या फिर बड़े साइज का डोरमेट इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि नीचे एक बेडशीट को रखकर दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई करके इसमें बॉर्डर लगा लूँगी, लेकिन जो दरी वाला कपड़ा है और जो बेडशीट का कपड़ा है उसका कलर मैच नहीं हो रहा था, इसलिए देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने बेडशीट वाले कपड़े को इसके नाप के बराबर का काट लिया और साइड में बॉर्डर लगाने के लिए मेरे पास इस तरह का कपड़ा है जो दरी के कपड़े के कलर से मैच कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने इसी के नाप के बराबर का बेडशीट का कपड़ा कट कर लिया। अब इसमें बीच में हमें सिलाई लगा लेनी है जिससे कपड़ा इधर उधर खिसकेगा नहीं। तो मशीन में भी आसानी से ये सिल जा रहा है, आप चाहें तो हाथ से भी इसकी सिलाई कर सकते हैं। मैंने 16 नंबर की सुई का यूज़ किया है, तो देखिए सिलाई मैंने इसमें ऐसे लगा ली है। अब लगभग मैंने 2.5 इंच चौड़ा कपड़े का टुकड़ा लेकर इसमें साइड साइड से पहले किनारे इसकी सिलाई कर लूँगी, उसके बाद इसको दूसरे साइड पलट कर सिलाई कर लेंगे। वैसे तो इसमें सिलाई करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन आप चाहे तो इस तरह से किनारे किनारे इसके अंदर वाली रुई को थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हैं, तो ये बहुत आसानी से सिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा काटा है, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें किनारे तक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद दूसरे साइड पलटकर इसको हमें इस तरह से कॉर्नर बनाते हुए सिलना है। तो पहले ऊपर से हम जो तिरछा कपड़ा हमने फोल्ड किया उसमें सिलाई करेंगे, उसके बाद नीचे सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से सिलाई करके हमें इसमें चारों साइड से बॉर्डर लगा लेना है। तो देखिए इसका साइज कितना बड़ा है, तो इसे बैठने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डोरमेट के रूप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको सिर्फ एक पीस बनाकर दिखाया है, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बाकी सबको भी इसी तरह से रेडी कर लूँगी। अब मैं आपको दूसरा DIY दिखाती हूँ जो मैंने एक पुरानी कुर्ती और सलवार से बनाया है। ये कुर्ता काफ़ी पुराना हो गया लेकिन इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत ही अच्छी थी, और ये उसका सलवार है। तो सबसे पहले मैंने सबकी सिलाई खोल दी है और इसको अच्छे से मैंने आयरन कर लिया है। जो सलवार वाला कपड़ा है उसको मैं अस्तर के लिए लाइनिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हमें जो सूट का ऊपर वाला भाग है और पीछे वाला भाग है उसको बराबर करके इसको कटिंग कर लेनी, जितनी भी चौड़ाई की ज़रूरत है उसी के हिसाब से मैंने इसे कट किया है। कुर्ती के पीछे वाले भाग को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लंबा रखा है। तो सबसे पहले इसको फोल्ड करेंगे। नीचे मैंने सलवार वाला कपड़ा रखा है, बीच में फोम है, और ऊपर में कुर्ती वाले कपड़े को रखकर इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। फोम की जगह आप चावल या आटे की बोरी का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से लंबाई में सिलाई चलाकर मैंने दोनों पीस को फोल्ड कर लिया है। तो इसकी जो लंबाई मैंने ली है वो 22 इंच है और इसकी चौड़ाई 14 इंच है। पीस
पीछे वाला जो भाग है उसे मैंने 2-3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसकी लंबाई मैंने लगभग 26 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 14 इंच ली है। तो अब जो प्रिंटेड वाला भाग है उसको 5.5 इंच पर हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो अब इसे रखकर दूसरा पीस भी कट करेंगे। बराबर साइज के 4 पीस इसमें से निकल जाएंगे। तो 4 पीस हमारे पास हो गए हैं। 5.5 इंच ऊंचाई है और इसकी चौड़ाई 14 इंच है। अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। दोनों साइड मैंने इसमें पाइपिंग लगा ली है। पाइपिंग लगाने के लिए भी मैंने सलवार वाले कपड़े का यूज़ किया है। तो देखिए चारों जो पार्ट्स मैंने कट किए थे उसमें दोनों साइड मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब जो प्लेन वाला पीस है उसे लेंगे और नीचे से थोड़ा सा इस तरह से हमें फोल्ड करना है और इस पीस को रखकर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ सिलाई लग गई है। अब दूसरा पीस लेंगे और इसे हम लगभग 1 इंच की दूरी पर रखते हुए इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से जो बाकी के दोनों पीस है उसे भी हम लगा लेंगे। तो देखिए चारों पीस की मैंने सिलाई कर ली है। अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। तो साइड में इस तरह से स्ट्रिप को रखते हुए सिलाई करके पलट कर दूसरे साइड में फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। तो पाइपिंग लग जाएगी। तो इसमें दो साइड से हमें पाइपिंग लगानी है। नीचे तो हमने पहले ही फोल्ड कर लिया है तो नीचे हमें पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो लंबाई में मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब ऊपर एक लंबी सी स्ट्रिप मैंने ली है और इसको बीच से सेंटर से इस तरह से मार्किंग कर ली है। यहाँ पे मैंने सेंटर का मार्क कर लिया है। अब इसे जहाँ पे हमने सेंटर का कट लगाया है वहाँ से मिलाकर रखेंगे कि जो बाकी के साइड के जो कपड़ा है वो बराबर हो। सिलाई करने के बाद फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए दोनों किनारों को फोल्ड करते हुए सिलना है। तो सबसे पहले मैंने बीच में सिलाई लगाई। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए कपड़े को दोनों साइड से फोल्ड करेंगे तो इसमें डोरी बन जाएगी। डोरी मैंने लंबी ली है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा जितना भी आप चाहें रख सकते हैं। तो दूसरे साइड से भी इसे इसी तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड से फोल्ड करके मैंने इसमें डोरी बना ली है। अब इसको चाहे तो ऊपर से नीचे तक सिलाई करके इसमें 8 पॉकेट बन जाएंगे। लेकिन 2 पॉकेट को मैंने बीच से इस तरह से स्टिच किया और 2 को मैंने बड़ा रखा है क्योंकि अब इसमें कुछ पेपर वगैरह मैं रखना चाहती हूँ इसलिए मैंने पॉकेट को बीच से स्टिच नहीं किया है। तो ये मेरा वॉल हैंगिंग बनकर तैयार हो गया है। इसमें छोटे मोटे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए पहले पॉकेट्स मैंने इसमें बना लिए हैं। मैंने इसमें 6 पॉकेट इसमें बने हैं। तो दरवाजे के पीछे मैं इस तरह से इसको हैंग करूँगी कि ऊपर भी मैं कपड़े या फिर कुछ सामान को हैंग कर सकूं। इसीलिए मैंने इसकी जो डोरी है वो लंबी बनाई थी। तो ये हमारा सुंदर सा वॉल ऑर्गेनाइज़र बन गया है।